हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिवर जो होती है वो तरह तरह के मेजर लैंडफॉर्म्स को बनाती है। ठीक है, तो रिवर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाती है, जैसे हमने वाटरफॉल को समझा, जैसे हमने फ्लड प्लेन्स को समझा, और क्या समझा था, ऑक्सबो लेक को समझा था कि किस तरह से रिवर जो होती है वो क्या बनाती है, ऑक्सबो लेक्स भी बनाती है। तो हमने इतने सारे फीचर्स तो देख चुके हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर, जो एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म रिवर के द्वारा बनाया जाता है, वो कौन सा है, वो इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है डेल्टा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में वही देखने वाले कि डेल्टा क्या होता है, कैसे बनता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, हाउ द डेल्टाज आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन व्हाट इज डेल्टा, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, और आपको समझना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में, 8th ज्योग्राफी में, 9th ज्योग्राफी में, 10th ज्योग्राफी में, जगह जगह आपको ये डेल्टा से डील करना पड़ेगा। मैथ्स में भी डेल्टा आएगा, सोशल साइंस में भी डेल्टा आएगा। तो वो डेल्टा बनता कैसे है वो आपको हम समझाते हैं। देखिए, एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीजेस। सिंपल सी चीज है, क्या कि हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, अपने सर पे से पानी डालिएगा सीधे, तो क्या होता है, सर पे से पानी डालोगे सीधे तो नीचे पानी बहुत स्पीड से गिरेगा। लेकिन वही आपने क्या किया, बॉटल को सिर्फ एक प्लेन सरफेस पे, जैसे टेबल है, टेबल पे बॉटल है, बॉटल को सिर्फ ऐसे गिराओगे तो क्या है, पानी धीरे धीरे बहेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से उसको ग्रेडियंट मिलता है, लेकिन जब आप प्लेन सरफेस पे पानी को छोड़ दोगे तो हो सकता है वो बहे ना, वही के वही रुक जाए। तो उसी तरह से क्या होता है, एज द रिवर अप्रोचेस द सी द स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेस। देखो क्या है, ये इंडिया है। ठीक, अब ये इंडिया में यहां से जैसे गंगा रिवर आ रही है, तो गंगा रिवर जब पहाड़ों पे से निकलती है तब तो बहुत स्पीड से आएगी, प्लेन एरियाज में आके हमने आपको बताया था मैंडर्स बनाने लगती है, इस तरह से मुड़ने लगती है, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने। फिर क्या होता है, जैसे जैसे सी के पास पहुंचती है तो वो और प्लेन एरियाज में जाती है, बीच वगैरह पे जाती है, तो बीच में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पूरा प्लेन एरिया है तो बीच में, बीच यानी जो तट होते हैं ना, तो बीच पे से जाते हुए क्या होने लगती है, और स्लो होने लगती है। तो रिवर जैसे जैसे सी के पास पहुंचती है उसकी स्पीड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। देखो एक सिंपल सा एक एग्जांपल और बताता हूं रिवर को कैसे आपको समझना है। जब एक बच्चा रहता है तो वो क्या रहता है, बहुत एनर्जेटिक रहता है, उसका जो अडल्टहुड रहता है, या फिर जब जो जब जिसे चाइल्ड की तरह कंसीडर किया जाता है, तब वो बहुत एनर्जेटिक रहता है, खेलता है, कूदता है, ठीक है, गिरता है, मस्ती करता है, ये सारी चीजें। तो वही रिवर भी है, जब रिवर बच्ची रहती है, बच्ची रहती है मतलब जब पहाड़ों से निकलती है बहुत एनर्जेटिक रहती है, तोड़ फोड़ करते हुए तेजी से आती है। फिर क्या होता है, जैसे जब इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो वो एकदम शांत स्वभाव में बहुत अपना मतलब जब बोलते हैं ना कि जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप सारी चीजें करने लगोगे, तब आप क्या रहोगे, क्या हो जाओगे, एक मैच्योर इंसान की तरह हो जाओगे। तो यहाँ पे रिवर प्लेन एरिया में आके मैच्योर हो जाती है, तो वो एक बड़ा सा बेड लेके मैंडर्स बनाते हुए आराम से धीरे धीरे चलती है। फिर जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आने वाला रहता है तो इंसान थक जाता है ना, तो रिवर भी क्या होगा, जब सी के पास, मान लो ये सी है, इधर सी के पास मिलने वाली रहेगी, तो रिवर वहां आते आते और स्लो हो जाएगी और क्या करने लगेगी, अपने आप को डेल्टाज में कन्वर्ट कर लेगी। जैसे बुढ़ापा आते आते इंसान थक जाता है और वो अपने को, अपने आप को क्या कर लेता है, दुनियादारी से दूर करके स्प्रेड कर लेता है अपने आप को, ठीक है, अपने आप के लिए जीने लगता है वो। तो वही चीज रिवर भी करती है। देखो कि रिवर जब ये सी के पास पहुंचने वाली रहती है, ये देखो सी के पास पहुंच रही है, तो उसके अंदर सेडिमेंट्स रहते हैं, किसके अंदर, रिवर्स के अंदर, क्योंकि रिवर पहाड़ पे से आ रही है, अपने साथ में क्या लेके आएगी, छोटे छोटे बारीक बारीक सेडिमेंट्स, मिट्टी के कण, ये सारी चीजें लेके आएंगी। तो जब वो अपने साथ में सेडिमेंट्स लाती है तो देखो ये सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर दिए, ये सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, पहले नदी पूरा समुद्र था लेकिन समुद्र में वो सेडिमेंट्स डालते जा रही है, ये सारे सेडिमेंट्स उसने डाल दिए हैं। तो सेडिमेंट्स डालने के बाद में उस तरह से बाइफरकेट हो जाती है, अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। देख पा रहे हो ना, ये पूरा सेडिमेंट्स से बना दिया उसने एरिया, नहीं तो पहले यहाँ समुद्र था, दो मिनट में देखो अभी ये समुद्र है, अब ये समुद्र से क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्स में डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, क्यों, मैंने आपको कारण बता दिया, स्लोप कम हो जाता है, ठीक है। रिवर ब्रिंग्स टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स क्या करती है, जैसी समुद्र में मिलने वाली रहती तो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई, अभी जो अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है, देख रहे हो ना, ये एक स्ट्रीम से दो स्ट्रीम, दो से चार हो गई, चार से अभी छह हो जाएगी अब आगे। तो इस तरह से रिवर क्या करती है, अपने आप को अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड कर लेती है, और इन स्ट्रीम्स को क्या कहा जाता है, इन स्ट्रीम्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ध्यान रखिएगा, इन स्ट्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरी शब्द क्या बोलता है, दी वन विच डिस्ट्रीब्यूट्स, रिवर अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज रहती है तो यही क्या बनाती है, यही डिस्ट्रीब्यूटरीज डेल्टा बनाती है, एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से डेल्टा बनता है, क्लियर है।
देखो रिवर आई, आने के बाद में जब वो सी के पास पहुंचने वाली रहती है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या कर लिया, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और ये डेल्टा बनाया, और वही वाली बात कि बीच में वो क्या डालेगी, सेडिमेंट्स डालेगी। तो दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज डिपॉजिट इट्स लोड सेडिमेंट्स नियर देयर माउथ। माउथ मतलब क्या है कि अब वो जहां पे मिलने वाली समुद्र में, तो अब समुद्र में मिलने वाली तो अब उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने साथ उन कण को, उन सेडिमेंट्स को, छोटे छोटे पत्थर को बहा के ले जाए, तो वो वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह से ये सेडिमेंट्स जो है ये रास्ते में ही डिपॉजिट हो जाते हैं, रिवर अपने माउथ पर ही क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। एज सिंपल इज दैट। तो ये पूरा प्रोसेस था डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा क्या होता है। अब एग्जाम में तो अल्टीमेटली डेफिनेशन लिखना रहेगी, समझ में आ गया ना, अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर मतलब क्या है कि नदी का जहां जहां ओपनिंग रहेगी, जहां नदी क्या करने वाली, समुद्र से मिलने वाली है। तो डेल्टा इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट माउथ ऑफ द रिवर बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज कैरिड बाय द रिवर। और वो क्यों बनता है, ऐसे अलग अलग ब्रांचेस में क्यों निकल जाती है, क्योंकि बीच में सेडिमेंट्स डाल दिए। अब जब ये बीच में सेडिमेंट डल गया तो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी रिवर, तो उस तरह से डेल्टा बनता है। डेल्टा कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के बाद में डेल्टा में जो रिवर है वो अलग अलग ब्रांचेस में क्या हो जाएगी, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई उसकी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई। तो बहुत आसान सी चीजें, सीधे से समझ में आना चाहिए आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, इस चीज को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वर्क ऑफ रिवर अगर पूछा जाए आपसे, तो वर्क ऑफ रिवर, रिवर में हमने कितनी चीजें पढ़ी है, व्हाट आर दी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड बाय रिवर। तो रिवर कितने लैंडफॉर्म्स बनाती है, वाटरफॉल देखा हमने, ऑक्सबो लेक देखा, फ्लड प्लेन्स को समझा देखा क्या होता है, और डेल्टा को देखा कैसे बनता है डेल्टा और क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्क ऑफ सी देखेंगे कि समुद्र जो होता है, तो समुद्र भी क्या करता है, बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाता है। समुद्र में जो सी वेव्स रहती है वो भी लैंडफॉर्म्स बनाती है। सी वेव्स क्या लैंडफॉर्म बनाती है, कैसे बनाती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।